हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बहुत बड़ी एमएनसी के बारे में बात करने वाले, दैट इज अ टॉप नॉच एमएनसी, दैट इज अमेजोन के बारे में बात करने वाले हैं। एंड द अपॉर्चुनिटी इज वेरी गुड, दैट इज एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी क्या नाम है, कोई भी ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एंड आपको करना क्या है, अमेजोन पे में बेसिकली जॉब है। अमेजोन पे आपने अगर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा, जिसमें पेमेंट वगैरह करते हैं भीम के थ्रू, उसके बाद कई बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं अमेजॉन पे के थ्रू, अमेजॉन ऐप के अंदर ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या करने वाले हो, केवाईसी ऑफिसर काइंड ऑफ आप काम करने वाले हो, कस्टमर सपोर्ट, केवाईसी कस्टमर सपोर्ट, जिसमें आप क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले वो प्रॉपर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, हर एक चीजें आपको डिटेल में इस वीडियो में बताई जाएगी। तो प्लीज यार, इसी बात वीडियो को लाइक कर देना, नहीं जाके सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यही सारी आपके लाइक्स आपके कॉमेंट्स जो होते हैं ना, इतने ढेर सारे मोटिवेशन देते हैं हमें ऐसी वीडियोज लेके आने की और ऐसे एनर्जी के साथ वीडियोस लाने की। ठीक है, तो प्लीज यार नीचे कमेंट जरूर कर देना, अपना ग्रेजुएशन ईयर मेंशन कर देना, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट टू मेंशन कर देना, और एनीथिंग यू कैन मेंशन, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइक बटन, सबसे सिंपलेस्ट स्टेप। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, सारे आपके कोर्सेज वगैरह, सारा प्रिपरेशन के मटेरियल्स का भी आइडिया दे दूंगा, क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है, एवरीथिंग आई विल बी गिविंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे, एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं, एक चीज आपको बताते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए सारी चीजें। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द मेन वेबसाइट ऑफ देसी मास्टर, जहां पे कई ढेर सारे वीडियोस होते हैं, कई ढेर सारी चीजें पोस्टेड रहती हैं, वहीं मैंने ये पोस्ट आउट किया हुआ है, दैट इज आवर अमेजॉन रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर कस्टमर केवाईसी सपोर्ट के लिए है। एंड यू कैन सी हियर, यहां पे सारी चीजें हैं, यू शुड बी ग्रेजुएट एटलीस्ट होने चाहिए, दैट इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज अ बेसिक थिंग दैट आर रिक्वायरिंग, दैट इज कस्टमर केवाईसी सपोर्ट। एंड यू कैन सी हियर, नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे देखो अमेजॉन रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर कस्टमर केवाईसी सपोर्ट, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, एंड अबाउट अमेजॉन इट इज रिटन हियर के स्किल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग इज रिटन हियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाने अ डे इन अ लाइफ के ऊपर देखो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर इफ यू आर वर्किंग एज अ केवाईसी सपोर्ट, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट थिंग बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ, तो पहले हम अपनी वेबसाइट पर चले जाए, दैट इज मेन वेबसाइट, अप्लाई नाउ पर टैप करके जाएंगे। यहां पर देखो, यहां पर पैराग्राफ्स में उतने बढ़िया से नहीं लिखा है जितने बढ़िया से यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहीं से बेसिकली यहीं से उठा के डाला है, बट डेफिनेटली एक बायफर्केशन है, तो डेफिनेटली आप जाके वेबसाइट से पढ़ सकते हो मेरी। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे देख सकते हो व्हाट इज अ डे इन अ लाइफ, बेसिक क्वालिफिकेशन पहले देख लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, दैट इज इफ यू आर अ ग्रेजुएट 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, एक्सपीरियंस अप टू 2 years कैन अप्लाई। ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ ओरल देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, बात करने का लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट। उसके क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी एंड अटेंशन टू डिटेल, मतलब जो एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है बेसिकली, कि भैया जब आपको क्या नाम है टास्क मिलेंगे तो आपको एनालाइज करना है चीजें, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग, यू हैव टू एनालाइज वेयर द इशू, वेयर इज अ सॉल्यूशन, एवरीथिंग यू हैव टू एनालाइज प्रॉपरली, देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड। उसके बाद फिर पॉजिटिव टीम प्लेयर, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट स्किल्स एंड डिग्री ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपको प्रॉपरली क्या नाम है टास्क दिए जाएंगे, ऐसा नहीं एक टास्क मिलेगा, 10 टास्क सपोज मिल गए, आपको प्रायोरिटाइज करना है एज पर द प्रायोरिटी, कौन सा टास्क पहले कंप्लीट करने की जरूरत है, कौन सा टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए, सो यू हैव टू बाइफर्केट द थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद फिर नीचे प्रेफर्ड स्किल्स के बारे में लिखा है, कोई भी ग्रेजुएट पहला, तो प्रेफरेंस में भी कोई भी ग्रेजुएट का है, डे इन अ लाइफ में देख लो, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क व्हेन यू विल वर्किंग एज अ केवाईसी सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट, व्हाट विल बी द वर्क, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज कैरी आउट द कस्टमर सर्विस क्या नाम है केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द केवाईसी चेक्स एंड कंप्लीटिंग एनहांस ड्यूटी डिलीजेंस, उसके बाद फिर परफॉर्म नेसेसरी चेक्स एंड फ्रॉड कस्टमर्स, मतलब जो फ्रॉड हैं, जो पर्टिकुलर आपको वेरिफिकेशन वगैरह करने, केवाईसी बेसिकली क्या होता है कि भाई आपका जो आधार कार्ड या पैन कार्ड है वो लिंक हो जाता है आपके अकाउंट से, ठीक है, वेरीफाई हो जाता है कि हाँ यू आर वेरीफाइड नाउ। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस, मतलब कस्टमर, एज यू नो अमेजॉन इज अ लाइक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, मोस्ट कंसर्न सेंट्रिक कंपनी डेफिनेटली, तो आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा, उस तरह से चीजें प्रेशर आएगा डेफिनेटली, वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे, डिपेंड करेगा चीजों पे, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट थिंग फिर एंश्योर एक्यूरेट एंड टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ द सबमिशंस ऑफ द केवाईसी सर्विस सब रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब केवाईसी रिक्वेस्ट वगैरह आएंगे उसको आपको प्रॉपरली सबमिट करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो दैट इज बैंगलोर इज द लोकेशन एप्लीकेशन का, यहाँ पे प्रोसेस है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई नाउ एंड यू कैन अप्लाई। उससे पहले मैं आपको कुछ क्या नाम है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, एक प्लेलिस्ट बेसिकली मिलेगा, दैट विल बी ऑफ अमेजॉन। ठीक है, तो जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको नीचे मैं बता देता हूँ, तो यही वाला लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। और इसमें पूरे प्रोसेस, मतलब सारी चीज़ें, क्वेश्चन वगैरह हैं, उसके बाद फिर सिलेबस क्या है, प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग, इंटरव्यूज हैं लोगों के, ढेर सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। एंड प्रॉपर यहाँ पे अनबॉक्सिंग किट भी है ट्रॉन का, वो भी देख सकते हो। उसके स्टडी मटेरियल्स हैं जो आपको यूज हेल्प कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे देखो, दैट इज़ अ स्टडी मटेरियल्स प्रॉपर जो आपको हेल्प करेंगे, जो आप क्रैक करने में ईजिली आप क्रैक कर सकते हो। तो आपको सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ईजी हो जाएगा। एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में बात करें, अप्लाई नाउ पर टाइम मैंने टाइप किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो क्या नाम है, अमेजॉन जॉब्स पर आपको ले जाएगा। दिस इज नॉट अ वर्चुअल जॉब, इसी वजह से मैंने परमानेंट नहीं लिखा है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, बट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ये जॉब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फिर लॉग इन विद अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन से आप लॉग इन कर सकते हो, आप अपने किसी भी अमेजॉन जॉब से लॉग इन कर सकते हो, आप डायरेक्टली अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो मेरा अकाउंट पहले से, तो मैं क्या करूंगा, आपको लॉग इन करके उसके बाद दिखाता हूँ। देख सकते हो, आई हैव लॉग्ड इन एंड माई डिटेल्स आर बीन फेच्ड, मतलब जो डिटेल्स प्रीवियसली आई वॉज अप्लाइंग फॉर सम अदर जॉब्स फॉर द वीडियोज, डेफिनेटली वहां से आपको सारे इन्फॉर्मेशन सेव रहते हैं। ठीक है, उस अकाउंट पे, तो वहीं से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो ना, दिखा रही है। सो एज यू कैन सी, सेव एंड कंटिन्यू पर टैप किया, उसके बाद आपको रिव्यू वगैरह करना है, ये सारा एनेबल करना है, स्कैन पर कंटिन्यू करना है, फिर लास्ट में आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेज्यूम आपको सही से भरना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, मैच कर लेना है, सही कर लेना है, उसके बाद जनरल क्वेश्चन वगैरह देख लेना है, इस वर्क हिस्ट्री अगर आपने कहीं काम किया तो उसके बारे में, नहीं काम किया तो जीरो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे है कि हाँ भाई, जो आपने भरा है दैट इज करेक्ट एंड आई विल बी पोर्शन, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तैयार लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना, दैट इज इट, सबमिट एप्लीकेशन पर टैप कर दोगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। यहाँ पे देखो, दैट इज नेक्स्ट स्टेप फॉर द एप्लीकेशन, यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड योर एप्लीकेशन इज हेयर, मतलब थैंक यू फॉर अप्लाइंग, योर एप्लीकेशन ऑफ KYC सपोर्ट इज हैज बीन सबमिटेड, मतलब यहाँ पे प्रॉपर दिखा दिया ना, तो मैंने प्रिपरेशन के भी बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद फिर आपको कई ढेर सारी चीज़ें बता दी, टिप्स बता दिया, अमेजॉन का ट्रॉन का आपको देखना है तो जाके वो भी देख सकते हो, वीडियो बनाई हुई है। सो दिस वॉज अपना वीडियो, आपको जाओगे मेरे वेबसाइट पर, वेबसाइट पर इतने ढेर सारे फ्री रिसोर्स आपको मिलने वाले हैं जो आपको ढेर सारी जॉब्स में हेल्प करेंगे, मतलब एक नहीं, दो नहीं, बहुत ढेर सारे, अमेजॉन का हो गया, एक्सेंचर का हो गया, उसके बाद फिर इन्फोसिस का हो गया, टीसीएस का हो गया, सबको कवर किया गया है। ठीक है, विप्रो भी है, डेफिनेटली जाके आप देख सकते हो। सिमिलरली आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इंटर्नशिप्स, एवरीथिंग इज पोस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सिमिलरली टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लोग वीडियोज वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, जैसे कि अभी एक्सेल का कोर्स था जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, उसके बारे में मैंने बहुत ढेर सारे लोगों को पुश किया, बहुत ढेर सारे लोगों ने इनरोल किया, बिकॉज आप लोग प्रोकेस्टिनेट कर जाते हो कि भाई अब मैं करूँ ना करूँ ना करूँ, तो 3 साल तक वैलिड है, डेफिनेटली वो एनरोल करके रख लो, ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ईजी होगा आपके लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यही सारी चीज़ें जो बताना चाह रहा था, व्लॉग चैनल भी फॉलो कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे भी है। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।